दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्मर WWE स्टार का रिटर्न जो कुछ जल्द ही होने वाला है, उन्होंने अपना WWE कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। कौन है वो आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। रोमन रेंस के रिटर्न स्टेटस को लेकर, क्या रोमन रेंस के बारे में कुछ नया अपडेट आया है, ये भी इसको भी लेकर मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। इसलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन है। सबसे पहले बात करते हैं, ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट किया कि रेसलमेनिया 41 का प्लेस जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। अभी तो रूमर्स बहुत आ रहे थे कि रेसलमेनिया 41 यहाँ पे होने वाला है, वहाँ पे होने वाला है, बट कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया था कि कहाँ पर होने वाला है। बट ट्रिपल एच ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसका अनाउंसमेंट, मैंने रेसलमेनिया 40 का अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। मेरे अकॉर्डिंग मई के एंड तक WWE अनाउंस कर देगी रेसलमेनिया 40 को प्लेस के लेकर, मतलब कहाँ पे होने वाला है इसको प्लेस को लेकर वो WWE अनाउंस कर देगी। आपको क्या लगता है रेसलमेनिया 41 कहाँ पर होगा, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताना। कोडी रोड्स ने रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो गुंथर को 1-on-1 मैच में फेस करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि कोडी रोड्स स्मैकडाउन पे और गुंथर रॉ पे अभी ड्राफ्ट हो चुके हैं। बट कोडी रोड्स और गुंथर का लेवल अभी बहुत हाई चल रहा था, WWE इसको अभी करवा सकते थे। आपको याद ही होगा रॉयल रमल 2023 का वो जो लास्ट टॉप टू जो था, उसमें गुंथर और कोडी रोड्स थे, जो कोडी रोड्स गुंथर को एलिमिनेट करके कोडी रोड्स जीत जाते हैं। तो वो जो मतलब जब वो दोनों थे तो क्राउड का आपने रिएक्शन देखा होगा, मतलब सही में लग रहा था कि हाँ कोई बड़ा, मतलब मैंने अच्छा लग रहा था, एक्साइटिंग लग रहा था देखने में। तो WWE इसको करवा सकते हैं। गुंथर अभी फोर बार इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह सकते हैं, जो सिक्स मैंने रह चुके हैं, जो 666 डेज का चैंपियनशिप रेन था उनका। और कोडी रोड्स अभी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन है। तो देखते हैं WWE इनको लेकर क्या करती है। मेरे को लगता है इनका मैच जो होगा वो अगले साल ही हो सकता है, क्योंकि अभी WWE का ड्राफ्ट खत्म हुआ। ये दोनों अलग अलग सेम ब्रांड पे तो नहीं है, अलग अलग ब्रांड पे हैं। तो अगर अगले साल इन दोनों को सेम ब्रांड पे ड्राफ्ट किया जाता है तो WWE इनको एक साथ मतलब मैच करवा सकती है, पर देखते हैं क्या होता है। आपको याद ही होगा मैंने कुछ दिन पहले अपने वीडियो में कवर भी किया था कि विंस मैकमैन और निक खान ने अपने सारे WWE शेयर्स बेच दिए हैं, और ये रूमर्स भी निकल कर आ रहा था कि विंस मैकमैन शायद एक न्यू कंपनी खोल सकते हैं, ऐसा रूमर्स आ रहा था। मतलब कंफर्म नहीं था, मेरे को थोड़ा लग रहा था, थोड़ा डाउट लग रहा था, पर मैंने उस वीडियो में कवर किया था और मैंने इसमें बताया था। पर पैट मैकेफी शो पे कहा कि ये रूमर्स बिल्कुल गलत है, निक खान ने अपने कोई भी शेयर, मतलब कोई भी एक भी शेयर अपना निक खान ने सेल नहीं किया, ये रूमर्स बिल्कुल गलत है। और पैट मैकेफी शो पे ड्रू मैकइंटायर भी थे और उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कह रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया है, उन्होंने ये कहा कि वो WWE छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। तो मैंने तो, मेरे को तो पहले ही लगा था कि वो WWE छोड़कर कभी नहीं जा सकते, अभी तो नहीं जाएंगे, फ्यूचर में भी शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि देखो क्लैश एट द कैसल सामने आ गया है, मतलब सामने आने वाला है, और ड्रू मैकइंटायर अगर क्लैश एट द कैसल में ही नहीं होंगे तो देखने में एकदम मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे को तो लग ही रहा था ड्रू मैकइंटायर पक्का साइन कर लेंगे। कल रात एक न्यूज़ निकल कर आया PW Insider की तरफ से, PW Insider के अकॉर्डिंग एरिक रोमन फिर से WWE साइन कर चुके हैं। तो हम लोग को एरिक रोमन, ब्रॉन स्ट्रोमन और बो डैलस, मतलब अंकल हाउडी का फैक्शन देखने को मिल सकता है WWE में फिर से। मैंने मैट हार्डी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैट हार्डी भी कुछ दिन से, मतलब कुछ हाँ 2-3 वीक से आपको टीज करते हुए दिख रहे होंगे, WWE से रिलेटेड वो पोस्ट करते हुए दिख रहे होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रिटर्न कर सकते हैं नहीं कर सकते, अभी कुछ पता नहीं चला है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले मैट हार्डी किसी दूसरे रेसलिंग प्रमोशन में रेसल करते हुए दिखे थे, पर उन्होंने ये कहा था कि वो अभी भी फ्री एजेंट है। तो देखते हैं WWE इनके साथ क्या लेकर, मैंने फ्यूचर क्या होता है। मेरे को लगता है ना कि एरिक रोमन जो है वाइट 6 के लिए रिटर्न हुआ, मतलब वाइट फैमिली जो है, ओल्ड वाला जो वाइट फैमिली है जिसमें बो डैलस और ब्रॉन स्ट्रोमन और एरिक रोमन हो सकते हैं। और आपको आपने एक चीज़ नोटिस किया, जो ब्रॉन स्ट्रोमन का जो रिटर्न हुआ वो बिल्कुल ब्रॉन स्ट्रोमन का ओल्ड कैरेक्टर, जो वाइट फैमिली 2014-15 वाला कैरेक्टर था, उस मैंने उसके अकॉर्डिंग मतलब वैसा ही सेम टू सेम रिटर्न हुआ। ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये कन्फर्म, मतलब मैं जस्ट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि उसके लिए ही हुआ है। आप लोग एक्साइटेड है वाइट फैमिली को फिर से देखने के लिए, अपना थॉट कमेंट में ज़रूर बताओ। अब बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे थे, रोमन रेंस का रिटर्न कब होगा और उनका स्टेटस अभी क्या चल रहा है WWE में, उनका रिटर्न कब हो सकता है।
सकता है। तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले फिर से दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलते रहे। तो गाइज देखो, अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ इनको रिटर्न को लेकर, बट रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस आपको ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन में कुछ महीनों तक दिख सकते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ महीनों तक आपको देखने को मिल सकता है, जब तक उनका रिटर्न नहीं होता। वैसे भी देखने को अभी मिल ही रहा है। रूमर्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अपना रिटर्न समर स्लैम में कर सकते हैं, बट ये ऑफिशियली कन्फर्म नहीं है, इसलिए मैं इसको कन्फर्म न्यूज़ नहीं बताऊँगा। बट रूमर्स ऐसा आ रहा है कि आपको रोमन रेंस समर स्लैम में देखने को मिल सकते हैं। आप देखते हैं WWE इनको इनके फ्यूचर के लेकर क्या करती है, ब्लड लाइन में कैसा आगे क्या चलता है, क्या स्टोरी लाइन चलता है। गाइस ब्लड लाइन से रिलेटेड और एक अपडेट है, मैंने आपको कुछ दिन पहले ये बताया था कि जेकब पार्ट 2 ब्लड लाइन मतलब WWE साइन कर चुकी है और उनका डिब्यूट जल्द ही होने वाला है। उनको लेकर मैंने ये भी बताया था कि उनका रिटर्न जल्द होने वाला था, बट WWE ड्राफ्ट के वजह से उनका रिटर्न अभी कैंसिल कर दिया गया है, कुछ दिन के लिए रोक दिया गया है। एक और एक अभी एक रूमर्स आया, उनको WWE हेड क्वार्टर में सोलो सिकोवा जेकब पार्ट 2 मतलब सोलो सिकोवा टामा टोंगा और जेकब पार्ट 2 तीनों एक साथ देखे गए हैं लास्ट वीक। और अकॉर्डिंग टू सोर्स मतलब PW Insider ने जो रिपोर्ट किया, उन्होंने ये भी बताया कि उनका रिटर्न ड्राफ्ट के कुछ समय पहले ही होने वाला था, मतलब ड्राफ्ट के वक्त ही होने वाला था, पर कैंसिल कर दिया गया है। तो देखते हैं इनका रिटर्न कब होता है। देखो मेरे अगर मैं आपको बताऊं तो इनका रिटर्न WWE बैकलैश में हो सकता है। मेरे को लग रहा है कि रैंडी ऑर्टन केविन ओमंस वर्सेस सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा का मैच के वक्त इनका रिटर्न हो सकता है। ये तीनों मिलकर शायद रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस पे अटैक कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा ही स्टोरी लाइन देखने को मिल सकता है मेरे अकॉर्डिंग। मतलब ये कंफर्म तो नहीं है, बट मैं अपना प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, पर देखते हैं इनका फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हम लोग को देखने को क्या मिलता है। आप लोग टेंशन मत करो, आपको मैं सारा अपडेट्स देता रहूँगा। आपको बस उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच।